नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका दृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरू करते हैं 9 नवंबर 2019 के करंट अफेयर्स। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू बैन डीजल रन ऑटो रिक्शाज फ्रॉम 2021। कौन सा राज्य है भारत का जो कि डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा पर प्रतिबंध लगाने वाला है 2021 से। ये राज्य लगाने वाला है प्रतिबंध बिहार, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सर क्यों लगाने वाला है देख लीजिएगा फोटो में, इस वजह से लगाने वाला है, चारों तरफ धुआं ही धुआं, धुआं धुआं है चारों तरफ प्रदूषण के कारण। ठीक है, तो आने वाले 2021 से बिहार और उसके आसपास के जो भी एरिया है उन पे भी ये मुहिम चलाई जाएगी कि डीजल से चलने वाले जो भी ऑटो है उनको उन पे रोक लगाई जाए। बात बिहार की हो रही है तो मैप में देखिएगा, ये है बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है, पटना किस नदी के किनारे है? पटना गंगा नदी के किनारे है, याद रखिएगा आप लोग। और दूसरा हमें ये भी याद रखना है कि बिहार के मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल का नाम है फगु चौहान। बिहार का टोटल लैंड एरिया है 99,200 किलोमीटर स्क्वेयर और यहाँ की जनसंख्या है टोटल आपकी 9.9 करोड़। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उससे पहले एक बात और करते हैं हम लोग। बिहार का दुख है एक नदी, ठीक है, बिहार का दुख किस नदी को कहा जाता है अगर पेपर में आए तो वो है कोसी नदी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी भी है, बिहार का दुख भी कहलाती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट नॉन एसी लोकल ट्रेन विद सीसीटीवी कैमराज लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत में सीसीटीवी कैमरा के साथ पहली गैर एसी लोकल ट्रेन का क्या नाम है? सीसीटीवी यानी कि क्लोज सर्किट टेलीविज़न, इसका फुल फॉर्म भी आप याद कर सकते हैं, क्लोज सर्किट टेलीविज़न। और बिना एसी वाली ट्रेन ऐसी कौन सी है लोकल ट्रेन? तो ये है उत्तम रेक, बी ऑप्शन सही है। ये फीमेल स्पेशल ट्रेन है बेसिकली और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही इसके अंदर जो है वो सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये जानकारी किसने दी है? ये पीयूष गोयल, जो हमारे वर्तमान में रेल मंत्री है उन्हीं का नाम है पीयूष गोयल। और भारत में स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम क्या था? जॉन मथाई, ये याद रखिएगा। और उससे पहले, वैसे सबसे पहले आसिफ अली थे लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई, ये आप बात जरूर याद रखिएगा। और दूसरा 2016 के बाद में, ठीक है, फ्रॉम 2016 2016 के बाद में क्या हुआ कि रेल बजट को आम बजट में ही शामिल कर दिया गया। पहले रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ आया करते थे। और पीयूष गोयल ने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पे कहा है कि लेडीज स्पेशल उत्तम रेक टू बी इंट्रोड्यूस टूडे फ्रॉम चर्च गेट टू विहार इन मुंबई विद अपग्रेडेड इंटीरियर्स इंक्लूडिंग सीसीटीवी एंड एलईडी लाइट्स। ठीक है, तो कुछ इम्प्रूव हैंडल सीट्स वगैरह, वो भी इमरजेंसी पुश बटन, एक बात ये भी याद रखिएगा उसमें इमरजेंसी एक वो रेड बटन वो भी लगाया गया है ताकि कोई इमरजेंसी हो तो भी बुलाया जा सके किसी को। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इंस्टॉल GPS डिवाइस इन ऑल गार्बेज ट्रक। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने जितने भी कचरा के ट्रक हैं उनमें GPS सिस्टम लगाने का घोषणा की है? तो ये अभी हाल ही में कर्नाटका स्टेट ने ऐसी घोषणा की है। कर्नाटका ने वहाँ के ब्रुत बेंगलुरु महानगर पालिका, ठीक है, ब्रुत बेंगलुरु महानगर पालिका को ये आदेश दिया है कि जितने भी गार्बेज ट्रक हैं यानी कि कचरा ट्रक है उनमें GPS सिस्टम लगाया जाए ताकि उनके रियल टाइम लोकेशन को ट्रैक किया जा सके, भी अपने घर के आसपास से कितना दूर है, कब आ रहे हैं, ठीक है, ताकि उनकी पूरी नोटिफिकेशन रहे, थोड़ा ईज हो सके कचरा डालने में लोगों को, घरों सेक्टर वगैरह में जो घरों में लोग रहते हैं। अच्छा, GPS के बारे में बात करते हैं हम लोग, उससे पहले कर्नाटक स्टेट के जिक्र कर लेते हैं। कर्नाटक, ये मैप में दिख रहा होगा आपको कर्नाटक, कर्नाटक जो है वो भी हमारा पश्चिमी तट पे लगता है, समुद्र तट पे सीमा बनाता है। यहाँ पे एक मंगलोरो बंदरगाह भी है, ठीक है, जिसे ईरान इराक से आयात निर्यात होता रहता है लोहे का। दूसरा जो है यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है BS येदियुरप्पा और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है वज्जू भाई वाला। और बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है। अच्छा, बेंगलुरु को ना इंडिया में सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है और गार्डन सिटी भी है ये। देखिएगा, भारत में बगीचों का शहर कपूरथला है और भारत का बगीचा जो है वो है बेंगलुरु। दोनों में फ़र्क है, भारत
के बगीचों का शहर कपूरथला जो पंजाब में है, जहाँ पे सवारी डिब्बों का निर्माण होता है, और दूसरा भारत का बगीचा है हमारा बेंगलुरु, सिलिकॉन सिटी है ये। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट माय फेवरेट इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त को हुई थी, ये भी आप याद कर सकते हैं साथ ही साथ, 15 अगस्त 1969 को, की किसने थी, विक्रम अम्बलाल साराभाई ने की थी। और अभी प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर के सिवन है, ये याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ के जो लिटरेसी रेट है कर्नाटका की, 2011 के अकॉर्डिंग बात करें तो 75.36% है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, और उससे पहले खैर हम एक बार जीपीएस के बारे में तो जान ही लेते हैं। जीपीएस का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। और ये हमारा जो जीपीएस है अभी अमेरिका यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के अंडर ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे जो ऑपरेटर हैं उनका नाम है AFSPC, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे देखिएगा आप लोग, एयर फोर्स स्पेस कमांड, ठीक है। इसी के अंडर जो है हमारा वो ऑपरेट हो रहा है। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1982 को, और इसका मोटो है गार्डियंस ऑफ द हाई फ्रंटियर। अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और हमारे जीपीएस के अकॉर्डिंग बात करें तो सैटेलाइट ऑर्बिट में है 31, टोटल सैटेलाइट है 33, और ऑर्बिटल की हाइट है 20,180 किलोमीटर। और पहला लॉन्च किया गया था फरवरी 1978 में, आज से 41 साल पहले पूरा। तो खैर आप जीपीएस का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर वगैरह में कई बार पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस पत्रकार का ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI कार्ड रद्द कर दिया है। तो OCI कार्ड रद्द कर दिया है अभी हाल ही में आतिश तासीर का, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है आतिश तासीर। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए, इन पे एक आर्टिकल टाइम मैगजीन में इनका छपा था, इंडियाज डिवाइडर इन चीफ, और मोदी को इंडिया डिवाइडर इन चीफ बताने वाले आतिश तासीर को अब उनसे एक भारत की विशेष नागरिकता जो है वो छीन ली है। आपके मन में आ रहा होगा कि ये स्पेशल जो क्या कहते हैं कि ओवरसीज सिटीजनशिप होती क्या है, ये बेसिकली एक दोहरी नागरिकता है। और नागरिकता कानून को अगर माने तो दोहरी नागरिकता कानून मान्य ही नहीं है, लेकिन जब ये मांग उठने लगी थी कि एक इसका भी थोड़ा सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, तो इंडिया ने क्या किया था कि भारतीय मूल के जितने भी वैज्ञानिक विदेशी नागरिक हैं उनको बिना वीजा आने के लिए और अनिश्चित काल, कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं, अनलिमिटेड टाइम तक काम करने के लिए अनुमति भी दे दी थी। और उसमें से आतिश तासीर जो थे उनके पास ये वाला कार्ड था, ठीक है। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। ऐसा सर इनसे वापस क्यों ली है, क्योंकि जो हमारा गृह मंत्रालय है उनका नागरिक अधिनियम 1955 के अनुसार जो है उनके पास में ये जो कार्ड था। और गृह मंत्रालय ने अभी बयान ये दिया है कि इनके दादा दादी जो थे वो पाकिस्तानी थे, और इन्होंने ये बात छुपाई है हमसे, और ऐसे व्यक्तियों को ये कार्ड नहीं दिया जा सकता जिसके माता पिता या दादा दादी पाकिस्तानी हों, इस वजह से इनसे ये जो है नागरिकता वापस छीन ली गई है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को सूचित करते हुए स्वयं को पेरिस समझौते से अलग करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। यह देश जो है वो है अमेरिका है, सी ऑप्शन सही है। यह प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में अमेरिका इस समझौते को छोड़ने वाला एकमात्र देश होगा। इससे पहले खैर सीरिया और निकारगुआ इस समझौते से बाहर थे, लेकिन 2017 में उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और इस समझौते के तहत विकसित था अमीर देशों को निर्देश दिया गया था कि जलवायु परिवर्तन के लिए, इन लक्ष्यों के लिए इस सहयोग में, इस समझौते में अपना सहयोग तो जरूर करें। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि पेरिस समझौता क्या था सर, तो देखिए पेरिस समझौता हुआ था 4 नवंबर 2016 को हुआ था। उसमें दुनिया के 200 देश जो थे वो जो कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करते हैं, ग्रीन हाउस गैस जो है आपको मैंने कई बार क्लासों में पढ़ाई है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस की एक मुख्य गैस है, जिस वजह से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और दूसरा जीने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली एक समझौता किया गया था, ठीक है। और एक समझौता क्या था कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर 2 डिग्री तापमान जो है वो कम करेंगे हम लोग, और इसके साथ आगे भी हम लोग तकरीबन 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है उसको कम करेंगे, और ये हमारा टारगेट भी रहेगा।
लेकिन इससे पे अभी क्या हुआ कि समझौते से अलग होने की अगर प्रक्रिया देखी जाए कि क्या प्रक्रिया होती है, तो देखो ये हुआ था 4 नवंबर 2016 को समझौता, और इसके बाद तकरीबन इसके 3 साल बाद में कोई सूचना दे के इसे अलग हो सकता है। और ये समझौता अनुच्छेद 28 जो है इस पे हस्ताक्षर करके बनाया गया था, आर्टिकल नंबर 28 में थोड़ा सा इसको संशोधन में था ये। और अमेरिका के इससे अलग होने की वजह क्या है, तो उसमें हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने चुनावी वादे किए थे कि मैं इसमें शामिल हो गया तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसके उत्सर्जन में अपना पूरा मैं सहयोग दूंगा, इसको कम करने में हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो अब वो इससे अलग होना ही बेहतर समझ रहे हैं, ठीक है। और सर अगर अमेरिका अलग हो गया तो प्रभाव क्या पड़ेगा, देखो दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहा है वो है चाइना, ठीक है, चाइना इसमें नंबर वन है 27% के साथ, और इसके बाद दूसरे नंबर पे अमेरिका ही है 15% के बाद, तो ग्रीन हाउस में दूसरा सबसे बड़ा देश आप कह सकते हो। और अगर अमेरिका इससे बाहर हो जाता है तो ये लक्ष्य प्राप्त होगा कैसे कि 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम कर पाएंगे हम ओवरऑल, तो एक तो ये कमी ये आएगी। दूसरी कमी, इन्होंने अपना एक टारगेट रखा था कि 2005 के सत्र से 2025 तक हम इसे घटा के तकरीबन कार्बन डाइऑक्साइड को 26-28% तक कम कर देंगे, तो जबकि ऐसा होगा नहीं, अमेरिका तो निकल जाएगा यहाँ से। और सबसे बड़ा जो फ़र्क पड़ेगा वो ये है कि पैसे का फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, क्यों अमेरिका एक अमीर देश है और वित्तीय संसाधन में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे एक बात ये भी हुई थी कि $100 बिलियन की आर्थिक सहायता देगा कोई भी देश अगर इसमें साथ में आ रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क। सबसे बड़ा फ़र्क तो जो दिखने में आ रहा है वो यही है कि फाइनेंशियली सबसे बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है इसके अंदर। और अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर ये अलग हो गया तो वो मतलब कितनी मर्जी गैस वगैरह उत्सर्जित करता रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो अलग हो गया तो वो अपने मतलब इस टारगेट में हेल्प नहीं करेगा, वो हेल्प करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि करना ही होगा उसे, भाई मतलब कनपट्टी पे बंदूक रख रखी है कि ऐसा करना ही पड़ेगा तुम्हें, ज़रूरी है, बाध्य नहीं होगा इसको मानने के लिए, अपनी मर्जी है, करेगा तो करे, ना करे तो ना करे। बात अमेरिका की कर रहे हैं हम लोग, तो अमेरिका को आपको मैप में देख लेना चाहिए, यह है अमेरिका पूरा मैप में, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, अमेरिका का डायल इन कोड जो है वो +1 है, इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा आप लोग। अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप है, और यहाँ की जनसंख्या है 32.72 करोड़। अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अल्जाइमर रोग के निदान हेतु GV971 नामक एक घरेलू दवा विकसित की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाइना ने ऐसा किया है, बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, अल्जाइमर रोग के लिए GV971 नामक दवाई जो है ये बना दी गई है, और दिसंबर 2019 से चीन के रोगियों के लिए ये उपलब्ध भी हो जाएगी। और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस दवाई से मस्तिष्क में सूजन कम करके आंत में उपस्थित सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी संख्या को संतुलित करके मस्तिष्क से होने वाली जितने भी कमियां हैं उनको मतलब थोड़ा सा उन पे इलाज किया जा सकता है या काबू किया जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो ये अल्जाइमर रोग है यही क्या होता है, ये बेसिकली एक डिमनेशिया नामक एक सिंड्रोम होता है, इसे ब्रेन डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र यानी कि उसके सेल्स को ये डिस्टर्ब कर देता है। इसे होता है क्या सर, इसे रोगी को सोचने की या जो बेसिक काम होते हैं करने की या थोड़े थोड़े याद करने की होता है कि भूल गया, आपको कहा कि बेटा कल पढ़ के आना, सर भूल गया मैं तो, अच्छा कल पढ़ा था, हाँ सर पढ़ा था भूल गया, गुरुजी आपकी तो बहुत मानते हैं आपकी एक भी नहीं मानते, ये वाली जो बातें होती हैं ना ये सारी की सारी इसी की है। और निर्णय लेना बट डिसीजन ही नहीं ले पाते इसमें, अल्जाइमर में ये भी होता है कि अच्छा क्या करूँ, आपको मैं कहूँ कि बेटा आप +2 कर चुके हो, ग्रेजुएशन कर चुके हो, बोलिए अब आगे क्या करना है, डिसीजन ही ना ले पाओ। और ज़्यादातर जो है ये 55 से 60 वर्ष की उम्र में ही होता है तकरीबन ये रोग, और इसमें दिमाग के जो टैंगल्स होते हैं उनमें प्रोटीन के निर्माण का कारण होता है, इसमें टाइप 3 डायबिटीज़ के नाम से भी इसे जाना जा सकता है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ रोग के बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है, अक्सर आपने बुढ़ापे में देखा होगा सोचने समझने की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, दिखने में भी थोड़ा सा कमी आती है इसके साथ साथ। और विश्व अल्जाइमर डे कब मनाया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, और जो वर्ल्ड अल्जाइमर डे है वो मनाया जाता है 21 सितंबर को, तो वो भी आप याद रखते हैं 21 सितंबर को। और इस साल का वर्ल्ड अल्जाइमर डे का जो थीम था वो क्या था, लेट्स टॉक अबाउट डिमनेशिया, क्या था, लेट्स टॉक अबाउट डिमनेशिया, आई रिपीट अगेन, लेट्स टॉक अबाउट डिमनेशिया। सर इंडिया
में अल्जाइमर का क्या मतलब स्थिति है, क्या रिपोर्ट है? तो भारत में लगभग 4 मिलियन लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप से डिमेंशिया से प्रभावित है। 4 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तकरीबन 40 लाख लोग हो गए। और पूरी दुनिया में लगभग 44 मिलियन लोग जो है वो डिमेंशिया से प्रभावित है। ठीक है, तो आप ये इतनी बात जो है अल्जाइमर से रिलेटेड ये याद कर लीजिएगा। अब सर ये GV97 है जो घरेलू दवाई बनाई है, ये किसने बनाई है? ये बनाई है द चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस और संघाई इंस्टीट्यूट ऑफ मैंटेरिया मैंडिका, इन दोनों ने बनाई है। और दोबारा नाम बता देता हूँ इनके एक बार आपको, द चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस और संघाई इंस्टीट्यूट ऑफ मैंटेरिया मैंडिका। ठीक है, इन्होंने और उनके साथ में एक जो है ओशियन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, उन्होंने भी इनका सहयोग किया था। और तकरीबन 22 साल तक ये जो है इस पर रिसर्च चला था, तब जाके ये दवाई बनी है। फार्मा की जो है तकरीबन 320 दवाइयों में से GV97 है ये अकेली ऐसी दवाई है जो इसमें टेस्टिंग में सफल भी हुई है। और ये 1900 जो आपका GV971 दवाई है, ये पूरी की पूरी आपकी जो ये एल्गी और फंगी होते हैं, आपके शैवाल आपने सुना होगा, ठीक है, ब्राउन शैवाल जो होते हैं, भूरे शैवाल, उनसे बनी हुई है। ये मल्टी टारगेटिंग है, कार्बोहाइड्रेट भी है इसमें, ऑरल दवाई है ये, और प्राथमिक जो मिड रेंज की है। बहुत ज़्यादा भी इस पर पैसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा इस पर लगाया जाए। सो ये इसके बारे में था, आपको इतना याद रखना है। बात चाइना की अगर हम करते हैं तो चाइना की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रिन मिन बे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को अभी भी कन्फ्यूज़ है कि कन्फ्यूज़न में अभी ये है कि सर चाइना की करेंसी रिन मिन बे है कि युआन है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रिन मिन बे यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है और उसका एक पार्ट है वो है युआन, याद रखिएगा युआन। जैसे इंडिया के अंदर रुपये जो है वो एक मेन करेंसी है, रुपये का पार्ट जो है वो है पैसा आपका। और चाइना का डायलिंग कोड है +86, वो भी याद रखिएगा। और यहाँ का जो GDP है वो 12.24 लाख करोड़ है अमेरिकन डॉलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो इतनी बातें हमें याद रखनी है चाइना से। हमारा पड़ोसी देश भारत और चाइना के हमारा पड़ोसी है ये देश, और भारत और चाइना के बीच की लाइन को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। ये भी रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन था। किस वर्ष 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा कर दी गई थी? ओहो, कई दिनों के बाद आज तो दर्शन हुए हैं 500 और 1000 के नोट। भाई कुछ भी कहो, 1000 रुपए का नोट तो हाथ में लेके सच में फील आता था, सबसे सोने नोट तो यही थे। खैर, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इसे 2016 में 8 नवंबर को भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। ठीक है भाई, नहीं चलेंगे तो सो ये तो बंद हो गए थे। किस लिए नोटबंदी की गई थी? ताकि जो जमाखोरी है, लोग जमाखोरी कर रहे हैं, उनके उन पे रोक लगाया जाए, काला धन वापस लाया जाए। ठीक है, तो ठीक है जी, इतनी ही बात आप याद रखिएगा। इसके चलते फिर 2000 का नोट लॉन्च किया गया था तुरंत प्रभाव से, फिर थोड़े टाइम के बाद 500 का भी नोट साथ के साथ ही लॉन्च कर दिए गए थे। खैरिए, चिंकी यादव ने हाल ही में 14वीं एशियाई चैंपियनशिप में महिलाओं के कितने मीटर एयर पिस्टल फाइनल में जगह बनाकर भारत को निशानेबाजी में 11वां ओलंपिक कोटा दिलाया है? तो चिंकी यादव ने हाल ही में 25 मीटर एयर जो पिस्टल है उसके अंदर 11वां ओलंपिक कोटा दिलाया है इंडिया को। ये जो आपको फोटो में दिख रही है यही है चिंकी यादव। इन्होंने चिंकी ने क्वालिफिकेशन में 588 अंक बनाए हैं और जिसमें एक परफेक्ट 100 भी शामिल है। और थाईलैंड की नेप हवा जो है उन्होंने 590 के बाद ये दूसरे स्थान पर रही है। पहले नंबर पर थाईलैंड की नेपहा सवान, वो पहले नंबर पर है। और भारत के लिए 25 मीटर एयर पिस्टल में दूसरा ओलंपिक कोटा है। इससे पहले राही सर नौबत ने इसी साल में शुरू किए म्यूनिक में, स्टार्टिंग जनवरी में तकरीबन, और म्यूनिक में विश्व कप में पहला कोटा हासिल किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही के ट्रेंड में देखा गया है कि सैकड़ों ट्विटर उपयोगकर्ता एक नई सोशल मीडिया साइट पर जाने लगे हैं, उसका नाम क्या है? तो वो साइट का नाम है मैस्टोडॉन। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है। पिछले 24 घंटों की अगर तुलना की जाए ना तो मैस्टोडॉन जो है उस पर भारतीय यूज़र की संख्या बढ़ रही है। छोटी सी एक सोशल मीडिया साइट है ये। बेसिकली हुआ क्या था ये कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है संजय हेगड़े, उसका एक अकाउंट को ट्विटर पर बैन कर दिया गया था और उस पर ट्विटर यूज़र ने 6 नवंबर से ट्विटर का 24 घंटे के लिए बॉयकॉट करने की एक मुहिम चलाई थी। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, उनकी संख्या बढ़ने लगी और उसके विरोध में मैस्टोडॉन को ज्वाइन करने लगे।
उसमें नए उपयोगकर्ताओं में ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर प्रतीक चिन्ह हैं, सोशल एक्टिविटी जो है कविता कृष्णन, संगीतकार विशाल डडलानी, ये सारे शामिल है। तो जो हमारे ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर प्रतीक सिन्हा हैं वो भी इसके ऊपर हैं। बात करें हम मैस्टोडन और ट्विटर की, तो ट्विटर तो एक अमेरिकन एक माइक्रो लॉगिंग एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। और इसकी अगर बात करते हैं हम लोग, स्थापना कब हुई थी, तो 21 मार्च 2006 को हुई थी। अमेरिका कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, कैलिफोर्निया अमेरिका में। और जैक डोरसे इसके संस्थापक है, लेकिन चर्चा में तो फिलहाल हमारा मैस्टोडन है। तो मैस्टोडन जो है, इसकी स्थापना बेसिकली, ये रिलीज डेट हुई थी 5 अक्टूबर 2016। ओहो, दुनिया की सबसे सुंदर तारीख, ठीक है, 5 अक्टूबर, मेरा बर्थडे है 5 अक्टूबर, तो 5 अक्टूबर 2016 को ये रिलीज हुआ था, तो याद ही कर लीजिएगा आप तो इसे। और डेवलपर इसके युगन रक्को है, ठीक है, तो यूनिक्स और लाइनक्स बेस्ड है। यूनिक्स एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनक्स एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। वेब, iOS, एंड्रॉयड, लाइनक्स वगैरह, इन सब पे ये अवेलेबल है आपका। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है 2020 के। देखिए 2019 का इस बार चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में, और उसी में ही ये घोषणा हुई है कि जो है हमारे भारत के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि ये 2020 का सम्मेलन भारत में होने वाला है, 7 से 8 नवंबर 2019 का जो चल रहा है ये नो मनी फॉर टेरर का सम्मेलन चल रहा है। भारत सीमा पार से आतंकवाद का शिकार होने के कारण आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की वकालत करता आया है, और इसीलिए ये 5 सदस्यीय इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसमें भारत की ओर से YS मोदी DG जो है वो इसमें से शामिल हैं। और नो मनी फॉर टेरर का सम्मेलन, दूसरा द्वितीय अगला सम्मेलन 2020 का जो होने वाला है वो हमारा भारत ही करने वाला है इसकी मेज़बानी, ठीक है जी। तो इतनी बात को आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के अंदर से। अगर बात की जाए आपकी 2020 में भारत जो इसके सम्मेलन करेगा, तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2017 के अनुसार आतंकवादी घटनाओं के कारण वैश्विक स्तर पर $52 मिलियन आर्थिक खर्चा हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह सम्मेलन जो है ये एक एंग मॉन्ट ग्रुप है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है ये, और एंग मॉन्ट ग्रुप में 164 देश जो है उनकी खुफिया एजेंसियां, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है उनका एक समूह है एक प्रकार का ये। और 2018 में इस सम्मेलन का प्रथम आयोजन पेरिस में किया गया था, तो इतना बात आप याद रखिएगा इसके बारे में। हमारे भारत की बात की जाए तो हमारा ये प्यारा सा भारत आपको मैप में दिख रहा होगा, यहाँ पे ये पास में पाकिस्तान है, जो इसकी भारत और पाकिस्तान की लाइन को रेड क्लिफ कहते हैं, भारत और चाइना को मैकमोहन कहते हैं। हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, हमारे जो राजधानी है वो है न्यू दिल्ली, और हमारे प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। Who become the first Muslim woman to be elected to the Virginia State Senate in the US? अमेरिका में वर्जीनिया राज्य सीनेट के लिए चुनी जाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है? ये बनी है गज़ल हाशमी, ए ऑप्शन सही है। ये भारतीय मूल की मुस्लिम महिला है गज़ल हाशमी, ये जो आपको फ़ोटो में दिख रही है यही है गज़ल हाशमी। वाओ, क्या पोज दिया मैम आपने, दो भी क्यों ना, आप अमेरिकी सीनेट चुनी गई हैं फिलहाल। अमेरिकी सीनेट क्या होता है सर? द यूनाइटेड स्टेट सीनेट इज़ द अपर चैम्बर ऑफ यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस, ये सबसे ऊपर का चैम्बर होता है और उसके लिए चुनी गई है ये। 6 साल का इसका जो है टर्म होती है, 6 साल का कार्यकाल होता है इनका, याद रखिएगा। और नेक्स्ट अभी तक जो इसके प्रेसिडेंट है सीनेट के, उनका नाम है माइक पिनिक, ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी आप लोग। अमेरिका की बात हमने इसी वीडियो में की है, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और करेंसी अमेरिकन डॉलर है। चलिए नेक्स्ट जो आज की हमारी न्यूज़ है वो ये है कि बड़ा ही चर्चा है, मुद्दा है हमारा अयोध्या मस्जिद का, ठीक है, अयोध्या का और मस्जिद का दोनों का ही है। तो ये आपका समझ आ गया होगा, हमारे भारत में अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है और मस्जिद खाली ज़मीन पर नहीं बनाई गई थी, उसके नीचे इस्लामिक ढांचा नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी साबित कर दिया गया है। और जिस जगह का विवाद था बेसिकली, उस जगह पर अब जो है वो भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा। वो ज़मीन 2.77 एकड़ है, उस जगह पे अब बनेगा भगवान श्री राम का मंदिर। और बाबरी मस्जिद जिसका विवाद चल रहा है 1992 से, उस मस्जिद, उसके लिए 5 एकड़ ज़मीन अलग से दी जाएगी।
और ये बात आज हमारे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और उनके साथ बेंच पीठ पांच जजों की संविधान पीठ ने शनिवार सुबह आज ही के सुबह में ये फैसला सुनाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि एक ऐतिहासिक फैसला है ये और विवादित जगह पे अब मंदिर ही बनेगा जिस जगह पे विवाद है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अभी जैसा मैंने बताया आपको 45 मिनट का इन्होंने फैसला पढ़ा था और 2.77 एकड़ पर ये जो राम लल्ला है उन पे विराजमान को दी जाएगी, भगवान राम की का मंदिर ही वहाँ पे बनेगा। दूसरी आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ ट्रॉल हो रही है कि आज पाकिस्तान का करतारपुर गुरुद्वारा जो है उसमें उसकी आज ऑफिशियली लॉन्चिंग हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुई थी और पुलिस वेरिफिकेशन के बिना करतारपुर साहिब नहीं जा सकेंगे, फॉर्म भरते समय कोई भी सूचना नहीं छिपा सकते हैं। 13 से 75 साल के नागरिक हो और अप्रवासी भारतीय करतारपुर यात्रा के लिए जा सकते हैं, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसकी $20 फीस होगी यानी कि ₹1400 फीस देनी होगी और कॉरिडोर पूरे साल भर खुला होगा, बस उसे कम से कम 10 दिन पहले ही उसका आवेदन करना होगा। इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और पहला 550 लोगों का जत्था रवाना किया है। पहले डेरा बाबा नानक से करतारपुर की दूरी 190 किलोमीटर थी, अब ये कॉरिडोर बनने से क्या होगा, ये दूरी केवल 7.8 किलोमीटर तक ही रह गई है, ये बात आप याद रखिएगा। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट ये है कि एक हफ्ते में गूगल पर अयोध्या की सर्चिंग 8 गुना बढ़ी, ट्विटर पर हैशटैग राम मंदिर ट्रेंड पे रहा है, तो ये भी आप थोड़ा याद रख सकते हैं, सबसे टॉप पे अयोध्या फैसला रहा है, ठीक है, ये सारे हैशटैग रहे हैं, टॉप 10 सर्च रहे हैं सबसे ज़्यादा। चलिए इतना ही थे आज के हमारे क्वेश्चंस, कैसा लगा आपको ये वीडियो, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू सो मच।